हेलो दोस्तों, राधा की रसोई चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आलू के चिप्स बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ 1 किलो जितना आलू लिया है। आलू हमें थोड़े मीडियम साइज़ के लेने हैं, बड़े वाले लेने हैं। उससे क्या होता है, चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमने आलू का छिलका निकाल लिया है। आलू का छिलका हमने यहाँ सारा निकाल लिया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में भिगा कर रख देंगे। तो हमने यहाँ एक बड़े बर्तन में पानी लिया है और आलू इसमें रख देंगे ताकि आलू की जो स्किन है वो काली नहीं पड़े। अब हमने यहाँ एक चिप्सर लिया है। हमारे पास ये वाली चिप्सर थी तो हमने इसका यूज किया है। आपके पास कोई भी चिप्सर हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें फटाफट चिप्स काट लेते हैं। अब हम इसे आप खोल कर दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे चिप्स कितने अच्छे कटे हुए हैं, पतले पतले और बड़े बड़े कटे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हम चिप्सर से काट लेंगे। अब हम इसे चिप्स को तुरंत ही पानी में डाल देंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस डायरेक्ट पानी में भी कर सकते हैं। तो हम सारे चिप्स को पानी में डाल देंगे ताकि वो काली नहीं पड़े। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे चिप्स काट लिए हैं, इसे हमने पानी में डाल दिया है। अब हम इसे 4 से 5 पानी में खूब अच्छे से धोएंगे ताकि आलू में जितने भी स्टार्च है वो सारे स्टार्च निकल जाए। और इससे क्या होता है, हमारा चिप्स बिल्कुल काला नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ 4 से 5 पानी में धो लिया है। अब हम इसे पानी में डालकर छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ हम गैस पर पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए बड़े बर्तन में। पानी को हम 5-7 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी में हल्के हल्के बुलबुले आने लगे हैं, मीन्स हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिप्स ऐड कर देंगे। चिप्स डालकर हम इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसी स्टेज पे आप नमक भी डाल सकते हैं, सेला नमक या टाटा नमक, जो भी आप खाते हो, पर हमने यहाँ कोई नमक नहीं डाला है। तब हमारा चिप्स अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें छान लेंगे इसे पानी में से। तो फटाफट इसे हम पानी में से छान लेते हैं। अब हम इसे घर में ही सुखाएंगे। तो घर पर हमने कपड़ा फैला दिया है और उसके ऊपर सारी चिप्स एक एक करके फैला दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो लीजिए दोस्तों, हमारा चिप्स 7 से 8 घंटे में सूख के रेडी हो गया है बिना धूप के ही। अब हम इसे आपको तेल में फ्राई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया था ऑयल गरम होने के लिए। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। गैस का फ्लेम रखेंगे हाई हम और चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिप्स बिल्कुल काला नहीं पड़ा है और बहुत ही मस्त फूले फूले चिप्स बने हैं। तो अब हम इसे थोड़ा चटपटा बनाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे नमक। यहीं पर ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला। अब हम इसे आपको तोड़कर दिखाते हैं चिप्स को। अब वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे चिप्स पे कितने अच्छे कुरकुरे बने हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के